उस बच्चे की जल्दी जल्दी खबर नहीं लेते और स्कूल वाले भी जल्दी जल्दी उन बच्चों से संवाद नहीं करने देते। लेकिन जब वो बच्चा घर लौट के आता है तो अगर एक शहर में 1000 बच्चे किसी हॉस्टल में पढ़ते हैं तो उसमें से 900 बच्चे आने के बाद ड्रगिस्ट निकलते हैं, नशे में इतना लिप्त हो जाते हैं कि हमारे घर में उनके मौत का इंतजार मजबूर माँ बाप करते हैं। जब हम डाटा देखते हैं कि भारत समृद्ध हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है, पढ़ा लिखा हो रहा है, विद्वान हो रहा है, हर हाथ में मोबाइल है, तो हमें गर्व होता है। लेकिन जब उस गर्व के पीछे दर्द में हम जाते हैं तब हमें इस बात का एहसास होता है कि गर्व नहीं, वास्तव में शर्म की बात। परम पूजनीय शंकराचार्य भगवान ने अपने हाथों में भारत के इस भारत का नक्शा उठाया और उस नक्शे को हाथ में लेकर प्रभु ने कहा कि इस भारत को हम जाकर प्रत्यक्ष रूप से हर स्टेट में वहां की संस्कृति, सनातन की परंपरा और वहां के लोगों से मिलकर हम जानना चाहते हैं कि हमने इतने दिनों में क्या खोया और क्या पाया। भगवान शंकराचार्य जी के हाथों में भारत का नक्शा है। एक एक स्टेट में जाकर वहां के लोगों से संवाद करने का जो सिलसिला शुरू किया है, जिसका नाम प्रभु ने गौध्वज स्थापना भारत यात्रा रखा है, वह सिर्फ ध्वज की स्थापना का मात्र एक संकेत नहीं है। उसके पीछे हमारी संस्कृति की क्या स्थिति हुई है, हमारी सभ्यता की क्या स्थिति हुई है, हमारे लोगों की क्या स्थिति हुई है, हमारे राष्ट्र की स्थिति क्या हुई है, हमारे परंपरा, हमारे सुरक्षा और हमारे समृद्धि की क्या स्थिति हुई है, इसका भी आकलन करना है। आप सबको बता दूं कि भारत कभी आर्या पंथ हुआ करता था, आज भी जब पुरोहित कथा करवाता है, हमारे घर में जब पुरोहित आता है, छोटी सी कथा भी करते हैं, तो हमारा परिचय बताया जाता है, आर्यावर्त, जम्बूदीप, भारत खंडे, फिर प्रदेश का नाम, फिर जिले का नाम, फिर मोहल्ले का नाम, फिर बाप का नाम, दादा का नाम और अपना नाम, इतना बड़ा परिचय और इतनी छोटी संकुचित मानसिकता लेकर आज हम लोग जीवन जी रहे हैं कि इस यात्रा में जहां हमें गर्व होना चाहिए, जहां हम लोग टेलीविजन में देखते हैं कि भारत बड़ा सबल हुआ है, संपन्न हुआ है, हिंदुत्व का परचम लहराया है, उस भारत का अगर आपको किस्सा बताएं तो आप सबको भी शर्म आने लगेगी कि भारत के उन राज्यों में जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश हम नहीं जा सकते, पाकिस्तान हम जा सकते हैं, पाकिस्तान का और इंग्लैंड का व्यक्ति, उनका एजेंट आकर अरुणाचल प्रदेश में धर्मांतरण का काम कर सकता है, लेकिन हमारे शंकराचार्य अपने भारत के अपने प्रांत में जा नहीं सकते, उनका प्रवेश करते थे। नागालैंड हम नहीं जा सकते, जो हमारे संस्कृति का हिस्सा है, वहां धर्मांतरण करने वाले लोग विदेशी पैसे के आधार पर आते हैं, धर्मांतरण करते हैं, लेकिन हमारे धर्म के धर्माचार उस प्रदेश में नहीं जा सकते। इस तरीके की स्थिति है। अभी हम चूंकि 15-16 राज्यों की यात्रा भगवान की हो गई है, आज हम लोग चेन्नई में आए हुए हैं। चेन्नई का किस्सा अभी हनुमान जी ने बताया, कल से हम लोग आए हुए हैं, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस नगर में ये चर्चा का विषय होगा। जो लोग शंकराचार्य जी को जानते होंगे वो नाम से, जो लोग नहीं जानते होंगे वो स्वामी कहते कि कोई बड़ा स्वामी आया है। कितने लोगों को शिकायत मिली कि स्वामी के चेन्नई आने से शहर में दंगे फैल गए, हाथ उठाकर मुझे बताएं। कितने लोगों को शिकायत मिल गई कि स्वामी के आने से यहां किसी की मर्यादा खंडित हो गई। कितने लोगों को यह संदेश मिला कि स्वामी श्री के यहां आने से यहां की जो मानवता है, यहां की जो संस्कृति है, यहां की जो परंपरा है वो खंडित हो गई। जब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में ये पहला राज्य है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा, अभी हम लोग यहाँ बैठे थे, ब्रह्मचारी जी को पुलिस ने बुलाया, हम यहाँ बैठे हुए थे, उस पुलिस का ये कहना है कि आपको हम सुरक्षा नहीं दे सकते। तो शंकराचार्य जी जब नंगे पांव इस भारत के भ्रमण का संकल्प ले चुके हैं तो उनके मन में अगर भय होता या उनके साथ चलने वाले लोगों के मन में संशय होता तो नहीं निकलते। ईश्वर ने उनको शंकराचार्य की गद्दी के साथ स्वर्ण सिंहासन दिया है, सोने का छत्र दिया है, धर्म दंड लेकर उनके साथ प्रहरी खड़े होते हैं, चावल बुलाई जाती है, उन्हें तपती हुई धूप में इन सड़कों में निकलने की क्या आवश्यकता। लेकिन शंकराचार्य जी ने कहा कि भारत की वास्तविक स्थिति क्या है उसका मैं स्वयं आकलन करूंगा, चाहते तो अपने दूत भेज सकते हैं।
शंकराचार्य जी निकले, एक एक प्रदेश में हम लोग जा रहे हैं। और आपके प्रदेश का किस्सा अभी हनुमान जी ने बताया कि भालू तो दूर, पुलिस तो दूर, उन्होंने गौ माता का टीका करने के लिए शंकराचार्य से यहाँ के आयोजकों ने अनुरोध किया कि गौ माता का टीका लगा के 10 कदम गौ माता के साथ चले, तो पुलिस ने कहा कि गौ को लेकर सड़क में नहीं चल सकते। ठीक है भाई, हो सकता है कि आपको तकलीफ हो। फिर थोड़ी देर बाद मैसेज आया कि स्वामी जी भी सड़क पर नहीं चल सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैसेज आया कि अब आप यहाँ पर इस मंदिर से लेकर उस मंदिर तक नहीं जा सकते। ईमानदारी से बताइए कि आप लोग इस नगर के निवासी हैं, हम लोग इस समय वर्तमान समय में भारत में है कि पाकिस्तान में? तो क्या भारत की स्थिति यही होनी चाहिए जो सामने आई? क्या भारत में हमारे धर्म गुरु के प्रवेश पर प्रतिबंध होना चाहिए? क्या हम अपने धर्म गुरु से मिल नहीं सकते? क्या उनका उद्बोधन नहीं सुन सकते? क्या हमारे धर्म गुरु किसी मंदिर और मठ में नहीं जा सकते? जो शंकराचार्य भगवान ने यात्रा की तो बड़े विचित्र अनुभव हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि भारत में हम पराये होते जा रहे हैं। हमें गर्व होता है जब टीवी चैनलों में सुनते हैं और नारा लगता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन जब हम धरातल पर जाते हैं और धरातल का जीवन देखते हैं तब हमें लगता है कि हम अपने राष्ट्र में सुरक्षित भी नहीं, स्वतंत्र भी नहीं, अपनी बात करने के अधिकारी भी नहीं है। भारत इस तरीके से बदलता जा रहा है। भारत को मजबूत बनाना है, अपनी संस्कृति को मजबूत बनाना है। हमारी माताएं जो नवरात्रि का व्रत करके गरबा कर रही हैं और लाल जोड़े में बैठी हुई हैं, बच्चियां भी बैठी हैं, ये परंपरा बची रहे, इसके लिए शंकराचार्य जी के आवाहन पर आप सबको कदम से कदम मिलाकर चलना है। और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का जो संकल्प है, तो संकल्प के लिए शंकराचार्य जी बार बार आपके पास नहीं आ सकते। शंकराचार्य भगवान आज आपके बीच में आए हैं, शंकराचार्य भगवान के उद्बोधन को सुनिए। जिस संकल्प की बात शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं वो आपके हित की है, इस राष्ट्र के हित की है, धर्म के हित की है, सनातन के हित की है। और आपके हित की बात करने के लिए अगर वो आपके घर में आए हैं